नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन की शुरुआत आखिर कब से होगी। कोविड 19 के बढ़ते प्रभाव के बीच भारत सरकार की तरफ से पूरे देश में बढ़ रहे मामलों को देखते हुए 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीकाकरण की सुविधा मुहैया कराने का आदेश जारी किया था। हालांकि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर 1 मई से टीकाकरण की शुरुआत नहीं हो पाई है, जिसमें से एक बिहार राज्य भी है। बिहार में 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण शुरू होना तो था, लेकिन वैक्सीन की कमी के कारण यह शुरुआत नहीं हो पाई। लेकिन अब जल्द ही टीकाकरण शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि हाल ही में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अपना बयान जारी करते हुए इस बात का भरोसा दिलाया है कि जल्द ही 18 साल से ज्यादा उम्र के युवाओं को बिहार में टीका देने की तैयारी की जा रही है। इस बाबत उन्होंने कहा कि बिहार को मई में वैक्सीन की 16 लाख डोज मिलेंगी, जिसके बाद 18 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बिहार को मई में लगभग 16 लाख कोविड 19 वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। इसमें से कोविशील्ड की 11.89 लाख खुराक और कोवैक्सीन की 4.14 लाख खुराक होंगी, जिससे कि वैक्सीन मिल जाएगी और वैसे ही टीकाकरण अभियान की शुरुआत भी हो जाएगी। इसके साथ ही बिहार में टीकाकरण को लेकर राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि 18 साल से अधिक उम्र वालों के निबंधन की प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन वो सिर्फ टीकाकरण स्थान और समय का निर्धारण नहीं कर पाएंगे। यह टीका के उपलब्ध होने के बाद ही शुरू होगा। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि राज्य में अभी 1500 केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है। टीकाकरण केंद्र पर कार्यरत कर्मियों के संक्रमित होने से अधिक टीकाकरण नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों के संक्रमित होने के कारण अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि APHC और सब सेंटर को बंद कर वहां के कर्मी कोविड 19 जांच और इलाज के लिए कोविड 19 सेंटर और डेडिकेटेड कोविड 19 केयर सेंटर में तैनात किए हुए हैं। इसके कारण प्राथमिक चिकित्सा केंद्र स्तर तक ही 18 से अधिक उम्र के व्यक्तियों का टीकाकरण हो सकेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत में वर्तमान समय में कोविड 19 के 4 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद भारत समेत बिहार की स्थिति काफी ज्यादा खराब नजर आ रही है। बिहार में भी हर दिन रिकॉर्ड तोड़ मामलों की पुष्टि हो रही है, जिसके बाद अब हर्ड इम्यूनिटी की जरूरत मौजूदा हालात में सबसे ज्यादा बताई जा रही है, जिसके तहत लगभग 70% लोगों का टीकाकरण अनिवार्य होना बताया गया है। हालांकि बिहार में जिस गति से टीकाकरण की प्रक्रिया जारी है, वैसे में इस लक्ष्य को हासिल करने में बिहार सरकार को काफी ज्यादा समय लग सकता है। जहां एक तरफ देश के ज्यादातर राज्यों में 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के युवाओं को टीकाकरण लगने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ बिहार समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां वैक्सीन की कमी के कारण इस मुहिम की शुरुआत नहीं हो पाई है, जिसके कारण टीकाकरण के माध्यम से कोविड 19 के बढ़ते प्रसार को रोकने का लक्ष्य फिलहाल काफी दूर नजर आ रहा है। बिहार सरकार की पूरी कोशिश है कि समय रहते टीकाकरण मुहिम की शुरुआत की जाए, ताकि कोविड 19 के इस माहौल में ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका देकर उन्हें इस बीमारी की चपेट में आने से बचाया जा सके। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपके अनुसार बिहार सरकार 70% लोगों को वैक्सीन मुहैया करवाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।